हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 2 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे सारे के सारे। आज जो है हमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं और ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म करनी है, ठीक है? तो यानी कि आज हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम साइंस पढ़ेंगे तब हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो फिलहाल शुरू करते हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी बुक में आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? कि हमें क्या बोला गया है कि आपको कुछ चीजें दे रखी हैं और मिक्सचर्स दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए, ठीक है? इन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहला, मैं आपको पूरा क्वेश्चन का पहला पूरा नहीं लिखा, मैंने आपको समझा दिया करना क्या है। इसमें आपको क्या अलग करने के लिए बोला है, कह रहा सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को अलग करना है उसके वाटर सॉल्यूशन से। तो भाई सोडियम क्लोराइड होता क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये होता है आपका नमक। क्या है ये? नमक, ठीक है? तो ये आपका नमक है जो आप अपने खाने में डालते हैं, खाते हैं, ठीक है? और कह रहा है पानी में अगर आप नमक मिला दोगे तो उसको कैसे अलग करोगे। तो मैंने इस बारे में आपको बताया था कि हम पानी में से नमक किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इवेपोरेशन मेथड, ठीक है? कौन सा मेथड? इवेपोरेशन। ठीक है? अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं कि जो मेरा नमक है यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसका इम्प्योर, वो इम्प्योर फॉर्म है, हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है, तब उसे अलग करना है, तब क्या करेंगे? तो अगर ये इम्प्योर फॉर्म में होगा और हमें उसमें से प्योर फॉर्म चाहिए तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। पर फिलहाल यहां पर सिर्फ सोडियम क्लोराइड बोला है, इम्प्योर प्योर नहीं बोला है, तो हम सिर्फ इवेपोरेशन से इसे अलग करेंगे, ठीक है? तो ये आपको आ गया। सेकंड कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। हाँ भाई, तो अगर हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो ये बात हमने पढ़ा था। अरे मैंने सब्लिमेशन प्रोसेस बताया था आप लोगों को। सब्लिमेशन में मैंने क्या बताया था कि ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। सब्लिमेबल सब्सटेंस का मतलब ये सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाता है? गैस में। ये सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाता है? गैस में। यानी कि ये सॉलिड से गैस बन जाएगा, पर जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो होता है ये सॉलिड से गैस नहीं बनता। तो अगर हमें इन दोनों का मिक्सचर दे दिया जाए और हमें कहें कि सोडियम अमोनियम क्लोराइड को अलग करो सोडियम क्लोराइड से, तो हम क्या करेंगे? दोनों को गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, जिस वजह से ये सॉलिड से सीधा क्या बन जाता है? गैस, ठीक है? पर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? सब्लिमेशन।
सबलिमेशन प्रोसेस, ठीक है? तो सबलिमेशन प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत आसान है, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी है पहले से ही। तीसरा है, कह रहा स्मॉल पीस ऑफ मेटल, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, ठीक है? इंजन ऑयल ऑफ अ कार, इससे अलग करना है आपको। तो कैसे करेंगे? हाँ भाई, अब देखो बात क्या है, ये मेटल कैसे होते हैं? मेटल आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटिक और एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक। मतलब एक वो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं, दूसरे वो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब मेटल के बारे में हमें यहां बोला तो है नहीं, ये मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है? तो हमें कोई सा भी मेटल दे सकता है और हमें बोला जाएगा कि इसको चेक करो कि मतलब ये इसको सेपरेट करो। तो भाई मैग्नेटिक, ये हम मैग्नेट वाला मेथड तो तब अपना पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक मेटल होगा, ठीक है? पर यहां पे हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो हम यहां पे काम करते हैं, हम यहां पे ना फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड का। तो फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है? फिल्ट्रेशन मेथड से ऑयल और इंजन ऑयल और उसको अलग कर सकते हैं। वैसे भी मेटल के पीस जब आप डालोगे, या आप इसको ये भी बोल सकते हो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से या लोडिंग प्रोसेस से, दूसरे किससे अलग कर सकते हो, लोडिंग से, ठीक है? नहीं, लोडिंग नहीं कहेंगे, सॉरी, लोडिंग नहीं कहेंगे इसको, आप बोल सकते हो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन। अरे सेडिमेंटेशन के किस में बताया था मैंने? मैंने आपको वाटर वाले में बताया था, वाटर के प्योरिफिकेशन में। सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, कि जैसे आपने, मैंने वाटर के बारे में ये बताया था कि जब आप वाटर प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले रिजर्वायर से जब वाटर पहले टैंक में जाता है, वहां पे हम क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं एक जगह पे। पानी को रोक देने से क्या होगा, पानी को रोक देने से ये होगा कि पानी में जो हैवी पार्टिकल्स है ना, वो नीचे बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे। जब पानी को आप शांत छोड़ दोगे तो उसके अंदर जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं, मिट्टी या और भी कुछ भी कूड़ा कचरा जो भी है, वो सब नीचे बैठ जाएगा उसमें, ठीक है? और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। अब आप खुद सोचो, अगर आप इंजन ऑयल में मेटल के पीसेस डाल रहे हो, कौन किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, या कौन ज्यादा भारी होता है, इंजन ऑयल ज्यादा भारी है यानी डेंसिटी उसकी ज्यादा है, या डेंसिटी हमारे मेटल की ज्यादा है? तो आप बोलोगे हमारे मेटल की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मेटल एक सॉलिड है, ऑयल एक लिक्विड है, और हमेशा सॉलिड की डेंसिटी जो होती है ज्यादा लिक्विड से ज्यादा होती है। तो इस वजह से मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मेटल की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएगा। जब आप इंजन ऑयल में मेटल डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो आप इसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से भी अलग कर सकते हो। जब नीचे बैठ जाएगा तो आप ऊपर से इंजन ऑयल अलग कर लो, नीचे बैठा हुआ वो अलग कर लो, ठीक है? और अगर वो मैग्नेटिक मेटल है तो हम इसे मैग्नेटिक मेथड से भी अलग कर सकते हैं, कि चुंबक हम उसमें डालेंगे और वो उसमें चिपक जाएगा, और इस प्रोसेस से हम उसको अलग कर सकते हैं इंजन ऑयल से। तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है? तो तीन प्रोसेस यहाँ पे बनते हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड मैग्नेट। मैग्नेट यहाँ ए कर लेना, ठीक है? तो ये मैग्नेट प्रोसेस या मैग्नेटिक मेथड, ठीक है? मैग्नेटिक मेथड से भी आप इसको अलग कर सकते हैं। तो ये तीन तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं, इनको नोट करो, फिर आगे बताता हूं। हाँ जी बच्चों, अब इसके डी पार्ट में लिखा है, इसके डी पार्ट में लिखा है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, डिफरेंट
पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। ठीक है, तो फ्लावर पेटल्स के से पिगमेंट्स को कैसे अलग करते हैं, तो ये आपको पता है कि हम ये जो है क्रोमेटोग्राफी मेथड से अलग करते हैं। आप लोगों को मैंने जब एप्लीकेशंस बताई थी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी बताई थी, तो उसमें से एक ये था कि जिसमें हम फ्लावर्स के पिगमेंट्स को अलग करते हैं, तो ये है बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम इनके पिगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट जो कि आपने बहुत ज्यादा अच्छे से रट लिया होगा मेरे ख्याल से, जिसमें हमें आप अलग करना है बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बटर को अलग करना है। तो बता रखा है मैंने आप लोगों को भाई कैसे अलग करते हैं बटर को। अरे बटर को अलग करने का कौन सा प्रोसेस था, क्या बताया था? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अरे जिसमें जोर जोर से घुमाते हैं, बताया था, जोर जोर से इसको गोल गोल घुमाया जाता है, और गोल गोल घुमाने की वजह से क्या नाम है, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं, और इस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं, तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अगला है ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल और वाटर को कैसे अलग करते हैं, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था सेपरेटिंग सेपरेटिंग फनल मेथड, सेपरेटिंग फनल मेथड। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल मेथड जिसके अंदर क्या था, अगर हम वाटर और ऑयल को एक साथ छोड़ देंगे, मतलब उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो मिक्स नहीं होगा, ऑयल के ऐसे बूंद से बन जाते हैं, और जब आप उसको थोड़ी देर शांत छोड़ोगे तो क्या होगा, वाटर नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम उसको फिर सेपरेटिंग फनल जो होता है हमारे पास उसके थ्रू हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये सेपरेटिंग फनल मेथड से अलग हो जाएगा। अगला जो है टी लीव्स फ्रॉम टी, हाँ भाई चाय की पत्तियां, जब आप चाय पीते हो तो चाय की पत्ती को कैसे अलग करते हो चाय से, तो आप कहते हैं भाई छान के। अरे चाय बनाते हो तो पहले चाय छानते हो ना, पत्तियां अलग करते हो, तो भाई किससे हम करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड से, तो इसका आंसर आ जाएगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इनको अलग करते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। नेक्स्ट आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, ठीक है, तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं कि अगर आपके रेत के अंदर लोहे की पिन गिर जाए, लोहे की कीले गिर जाए, पिन गिर जाए, तो आप उनको कैसे अलग करेंगे। अरे अगर लोहे की चीज है तो सिंपल सी बात है, हम उसको चुंबक से अलग कर सकते हैं, तो भाई ये मैग्नेट से अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये किससे अलग हो जाएगा, मैग्नेट से, मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रोसेस से आप अलग कर सकते हो। ठीक है, आगे भी मैं बगल में बता देता हूं, इधर बता देता हूं। नेक्स्ट है वीट फ्रॉम वीट ग्रेन फ्रॉम
हस्क। तो ये वाला तो आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेरे ख्याल से 7th क्लास से आप यही पढ़ रहे हो कि वीट ग्रेन से हस्क को कैसे अलग करेंगे। तो शायद आपने बहुत बार पढ़ा है विनोइंग, विनोइंग प्रोसेस। 1 मिनट, विनोइंग प्रोसेस से अलग करेंगे, ठीक है? तो इसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा? विनोइंग। और लास्ट पार्ट है फाइन मड पार्टिकल्स। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। पानी के अंदर फाइन मड पार्टिकल्स हैं, उनको आपको अलग करना है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई अगर पानी के अंदर जैसे मड पार्टिकल नीचे बैठ गया, अब क्या है भाई, मड पार्टिकल तो काफी मोटा होता है, जिसे आप छान के यानी फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है? तो ये हमारा फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा, ठीक है? बहुत आसान है कि भाई अगर पानी के अंदर मिट्टी है और आपने वो मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, तो आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे फिल्टर पेपर से, और पानी अलग हो जाएगा और मड पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है पूरा। एक बार आप नोट कर लें, ये सारे मेथड हमने सीखे हैं कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है? सारे मेथड सीखे हैं, इनको नोट करो। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि आपको ना चाय बनाने का प्रोसेस लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। मतलब आपको चाय बनाने का पूरा प्रोसेस लिखना है कि चाय कैसे बनाते हैं, और जो भी आप बोलेंगे ना उसमें, जो आप पूरा स्टेप्स बता रहे हैं पूरा, मतलब कैसे आप टी बनाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस में आपको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता कभी भी। फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप पूरा चाय बनाने का प्रोसेस लिखेंगे। सबसे पहले हमें वर्ड या कौन सा यूज करना है, जैसे सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे टी इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है? टी इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है? वी टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड वी टेक सो मैनी सॉल्यूट्स लाइक मिल्क। आप जैसे आपका सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट तो वाटर होता है, फिर उसमें सॉल्यूट क्या क्या होता है? मिल्क, शुगर, टी लीव्स, जिंजर, और अगर आप कोई भी स्पाइसेस या कुछ भी ऐड करते हैं मसाले, तो उनको उनके नाम लिख देने, तो सॉल्यूट, ठीक है ना? वी टेक, आपको ऐसे करके लिख देना है, शुगर, टी लीव्स, स्पाइसेस एज सॉल्यूट्स, ठीक है? वी डिजोल्व दीज सॉल्यूट्स इन द सॉल्वेंट बाय हीटिंग, ठीक है? उसके आगे उसमें लिखना है कि अब इसमें सॉल्यूबल क्या होता है, आपको पता है कि फ्रॉम ऑल दीज सॉल्यूट्स ओनली शुगर एंड मिल्क आर सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट, ठीक है? एंड द टी लीव्स स्पाइसेस आर इनसॉल्यूबल, मतलब उनके जो ट्रेसेस है वो रह जाते हैं ना। अब देखो चाय पत्ती होती है, अब वो चाय पत्ती पूरी तो नहीं घुल जाती, उसका टेस्ट उसका कलर आ जाता है, पर उसका बाकी बचा जो मोटी जो पत्तियां होती हैं वो इनसॉल्यूबल रहता है उसमें। या आप कोई स्पाइसेस आप उसमें डालेंगे, वो स्पाइसेस भी इनसॉल्यूबल रहती हैं, उनका टेस्ट उसमें आ जाता है, बाकी चीजें वो उसके अंदर चाय में पूरी तरह से घुलती नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देन व्हेन द टी इज प्रिपेयर्ड वी फिल्ट्रेट द सॉल्यूशन या वी फिल्ट्रेट द टी। अब चाय को छानते हैं एंड द टी लीव्स आर द रेसिड्यू, और जो चाय पत्ती जो बच जाती है, रेसिड्यू मतलब क्या होता है, वेस्ट, तो लास्ट में वेस्ट क्या बच जाता है, टी लीव्स, और वो क्या होता है हमारा, रेसिड्यू। तो ऐसे करके आप पूरा
लिख सकते हैं पूरे मतलब प्रोसेस चाय बनाने का, जिसके अंदर आप इन सारे वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों का आपको इस्तेमाल करते हुए चाय बनाने की पूरी विधि लिखनी है। हिंदी मीडियम वाले भी, हिंदी में मीडियम में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा होगा विलयन, ये होगा विलायक, ये होगा विलय, ये होगा घुलनशील, सॉरी घुलनशील, हाँ ऐसे कुछ होगा, सोल्युबल, घुलनशील, अघुलनशील, फिल्ट्रेट में क्या लिखा है, छानना, ठीक है, और रेसिड्यू में लिखा होगा आपका उभयनिष्ठ, या मतलब सॉरी जो भी जो बचा हुआ पदार्थ होता है ना, उसे कहते हैं रेसिड्यू। अब हिंदी मीडियम की बुक अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो आप देख लेना। तो उसमें भी आप यही सब चीजें लिखेंगे कि चाय चाय जो है हमारा एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से दूध तथा जल हमारे विलयन है, विलायक है, चीनी चीनी चाय पत्ती तथा मसाले हमारे विलेय हैं, उनको घोला जाता है कैसे, गर्म करके। फिर मैंने बताया था उसमें से चीनी जो होती है, और चीनी उसमें दूध जो होता है पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, बाकी चीजें उसमें अघुलनशील होती हैं। फिर जब चाय बनने के बाद हम उसे छान लेते हैं, और जो चाय पत्ती होती है वो हमारा उसमें क्या हो जाता है, वेस्ट बच जाता है, रेसिड्यू की जगह उसको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप, इस तरह से आप पूरा ये लिख सकते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे करें या छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चों, तो देख सकते हैं आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ये टेबल बनी हुई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। कह रहा प्रज्ञा नाम की एक लड़की है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उसने ये 4 अलग अलग तरह के उसने सॉल्यूट लिए और उनको वाटर में डिजोल्व कर करके देखा एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर पे। आप देख सकते हैं ये सारे टेम्परेचर्स हैं, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सबसे ऊपर वाले जो हैं ये टेम्परेचर्स हैं। मैं इनके साथ में लिख देता हूँ, ये कैल्विन में टेम्परेचर्स है, ये इतने कैल्विन टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। तो उसने डिफरेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी चेक करी है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट लिया, और ये कितने ग्राम वाटर में घोला है, ये सारा का सारा 100 ग्राम वाटर में घोला हुआ है, कि 100 ग्राम वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट कितना घुल रहा है। तो देख सकते हैं हम कि 100 ग्राम वाटर में 283 कैलविन पे पोटेशियम नाइट्रेट जो है 21 ग्राम घुल रहा है, ये ग्राम्स में, ये ग्राम्स में है, और सॉल्युबिलिटी और ये जो टेम्परेचर दे रखा है वो कैलविन में। तो ये 21 ग्राम घुल रहा है, ये 32 ग्राम घुल रहा है, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट ही 283 केल्विन पे 21 ग्राम, 293 केल्विन पे 32 ग्राम, 313 केल्विन पे 62 ग्राम, 333 केल्विन पे 106 ग्राम, और 253 केल्विन पे 167 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का भी दिखा रखा है 36, 36, 36, 37, 37, पोटेशियम क्लोराइड का दिखा रखा है 35, 35, 40, 46, 54, अमोनियम क्लोराइड का दिखा रखा है 24, 37, 41, 55, 66। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये तो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमें उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए, ए में कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, तो आप देख लेंगे। लिखा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन, ठीक है। कह रहा है 313 केल्विन पर, 313 केल्विन ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा, ठीक है, का कितना उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना मास चाहिए, 50 ग्राम वाटर में, कितने ग्राम वाटर में, 50 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड इन 100 ग्राम वाटर एट 313
313 केल्विन, 313 केल्विन पर 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए? तो यहां लिखा हुआ है देखो 62 ग्राम। अरे 62 ग्राम वाटर, 62 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो 100 ग्राम वाटर के लिए चाहिए। कितने ग्राम वाटर के लिए चाहिए? 100 ग्राम वाटर के लिए। और आपसे पूछा है कि अगर वाटर 50 ग्राम हो, वाटर कितना हो 50 ग्राम, तो यानी 50 ग्राम, तो तब उस टाइम पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए होगा? तो आपको लिखना है पोटेशियम नाइट्रेट, ये सेम लिखना है, मैं कॉमा लगा रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, आप कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है? नीडेड इन 50 ग्राम वाटर एट 330 केल्विन। अच्छा आप देख सकते हैं यहां पे वाटर आधा कर दिया, जो पहले 100 ग्राम था उसको 50 ग्राम कर दिया। तो भाई जब आपने वाटर आधा कर दिया है तो पोटेशियम नाइट्रेट भी तो आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब आपने वाटर आधा कर दिया है, 100 ग्राम से 50 ग्राम कर दिया है, तो ये भी तो आधा हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 31 ग्राम। 62 ग्राम का आधा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 31 ग्राम। तो ये इसके ए पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है? आप ये पूरा लिखेंगे, मैं आपको कराने के लिए बस ये ऐसे कॉमन मैंने लगा दिया है, बाकी आप पूरा सेम ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है अच्छे से। बी पार्ट, बी पार्ट में देखेंगे, लिखा है प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 253 केल्विन एंड लीव्स अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। तो कह रहा है कि प्रज्ञा ने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड का ना 253 केल्विन, ये रहा 253 केल्विन पे एक उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसको ठंडा कर दिया। तो ठंडा करने पे उसे क्या दिखाई देगा? अरे सीधी सी बात है, मैंने आपको इस बारे में बताया है कि जब भी कोई आप चीज गर्म करते हो, किसी चीज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसे गर्म कर देते हो, और गर्म करके उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आते हो और उसे ठंडा करते हो, तो क्या होता है, उसके क्रिस्टल्स नीचे जम जाते हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स जमे हुए दिखाई देंगे उसके बॉटम में। तो इसका आंसर है कि सी विल ऑब्जर्व क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट द बॉटम, ठीक है? तो उसको बॉटम में यानी कि तली में, हिंदी में कहोगे कि उसे बीकर के तली में पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, ठीक है? क्रिस्टल दिखाई देंगे, ये बात समझ में आ रही है? तो ये इसके बी पार्ट का आंसर हो गया कि उसे उसको क्या वो क्या ऑब्जर्व करेगी। तो आपको लिखना है शी वुड ऑब्जर्व क्रिस्टल्स एट द बॉटम ऑफ बीकर। ठीक है, नेक्स्ट है सी पार्ट, कह रहा फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। ठीक है, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो कह रहा है कि सबकी सॉलिबिलिटी निकालो और बताओ कि सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है एट 293 केल्विन। तो पहले आप इन दो को नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं अगला। नेक्स्ट जो पार्ट है सी पार्ट, इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे सभी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी निकालनी है आपको और बताना है कि कौन सबसे ज्यादा सॉल्यूबल है। ठीक है, तो भाई सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं? सॉल्युबिलिटी एक तरह से उसकी कंसंट्रेशन की तरह ही निकाली जाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100%। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी एक ही तरह से निकाली जाती है। तो इसमें आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट की। ठीक है, तो आपको एक एक करके मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूं, घुलनशीलता। हिंदी में क्या लिखेंगे? घुलनशीलता। घुलनशीलता का फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा
बटे में विलयन की मात्रा गुना में 100%। ये मल्टीप्लाई जो है दोनों से होगा मतलब, ठीक है। अब यहां एक एक करके करा रहा हूं। सबसे पहले किसका करना है, पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का जो करोगे तो देखोगे 293 केल्विन पे आपका इसका फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी इसको सॉल्वेंट कर लेना, ठीक है, कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुल जाता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। विलायक, यहाँ नीचे विलायक की मात्रा कर लेना, ठीक है। अच्छा तो यहां पे आप करना 32/100, ठीक है। तो यहां पे आ गया 32%, मतलब हर सॉल्वेंट का 32% उसमें घुल रहा है। अगला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो ये घुल रहा है 36/100 × 100%, तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 36%। अगला पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है ये घुल रहा है 35 upon 100 into 100%, यहां भी कटेगा और आंसर आएगा 35%। चौथा आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो घुल रहा है वो है 37 upon 100 into 100%, तो ये भी कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 37%। तो ये सबकी सॉल्युबिलिटी आ गई, और आप यहीं से देख के बता सकते हैं सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा घुल रहा है वो ज्यादा सबसे ज्यादा सॉल्युबल है एट 293 केल्विन। आगे नहीं देखना आपको, आगे पीछे नहीं, सिर्फ इसी लाइन की सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो इस लाइन में सबसे ज्यादा जो घुलने वाला है वो है अमोनियम क्लोराइड, तो इसका आंसर आ जाएगा द मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट एट 293 केल्विन इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट में आपसे इसका डी पार्ट है, उसमें बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑन ऑफ अ सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं कह रहा है कि किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हम हर बार बढ़ा रहे हैं 10 10 डिग्री सेल्सियस, 283 293, फिर हमने यहाँ 20 बढ़ा दिया, फिर हमने यहाँ 20 और डिग्री बढ़ा दिया, फिर और यहाँ 20 केल्विन, यहाँ 20 केल्विन 20 केल्विन 20 केल्विन, पहले 10 केल्विन बढ़ाया फिर 20 20 केल्विन बढ़ाया, यानी टेम्परेचर हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने का हमारी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है, टेम्परेचर बढ़ गया सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया सॉल्युबिलिटी और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया सॉल्युबिलिटी और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया सॉल्युबिलिटी और बढ़ गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, चाहे ये हो चाहे और कोई हो। यहां भी देख सकते हैं, यहां फिलहाल दो बार तीन बार तक सेम रहा, उसके बाद बढ़ गया, फिर उसके बाद भी सेम रहा, पर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगा। यहां पे देखें, यहां पे एक बार सेम रहा फिर बढ़ने लग गया, फिर यहां पे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो इससे हमें यह पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे डी पार्ट में कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हिंदी में लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर लवण की घुलनशीलता बढ़ जाती है,
ये बात लिखनी है आपको इसमें, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 जो है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने कर रखा है, और ये जो इसके अंदर पूछा है वो हमारे नोट्स में भी अवेलेबल हैं। तो आप जब नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको इन सबके डेफिनेशंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, और सबसे पहला बोला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक बार लिखवा भी दे रहा हूं यहां पे, तो आप लोग इसको समझ लेंगे। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कि जब किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जितना जब सॉल्यूट ना घुले, घुलना बंद हो जाए, मतलब घुलते घुलते घुलना बंद हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन इसका बी पार्ट बोला है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। अच्छा हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हिंदी में मैंने बताया, हिंदी वाले लिख लें, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर किसी दिए गए विलयन की मात्रा में, अरे शुरुआत में लिख लेना, जब जब लिख लेना शुरुआत में, जब किसी निश्चित तापमान पर दिए किसी दिए गए विलायक में विलय घुलना बंद हो जाए, तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, याद रखना, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में मैंने बताया है, द सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इज कॉल्ड, यस द सब्सटेंस लेना, आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, सॉरी, और लिख लेना एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर ट्रीटेड एज प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस किसे माना जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। हिंदी में लिखेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो लिखना है वे पदार्थ जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, तत्व तथा यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो तत्व और यौगिक जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में कोलोइड के बारे में पूछा है। अरे कोलोइड के बारे में मैंने बताया था ना कि इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच, नहीं विच,
सीम्स, या आप लिख सकते हो इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एक्चुअली नॉट डिसॉल्व्ड बट सीम टू बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ठीक है, कि कोलोइड एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके सॉल्यूट पार्टिकल एक्चुअल में डिसॉल्व तो नहीं होते सॉल्वेंट में, बट वो डिसॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इनटू द सॉल्वेंट। और एक्चुअल में होता क्या, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर डिस्पर्ज होते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय विलायक में घुला हुआ नहीं होता परंतु घुला हुआ दिखाई देता है। वास्तव में इसमें एक काम करने, एक्चुअली यहां से काट लेना और यहां पे लिख देना। वास्तव में इसमें ठोस, इसमें विलय विलय कण, विलय के कण विलायक में फैल जाते हैं। ठीक है, घुलते नहीं है, फैल जाते हैं। तो ये तीसरा हो गया आपका। और लास्ट इसमें सब ये आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं इसमें यहीं पे करा दे रहा हूं। चौथे पार्ट में आपको कराना है सस्पेंशन के बारे में बताना है, सस्पेंशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको किसमें किसके बारे में बताना है, सस्पेंशन के बारे में। ये भी मैंने आपको लिखवाया है, यानी कि निलंबन के बारे में। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है भाई, मैंने बताया था इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज वेरी लार्ज द सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंड एट द बॉटम ऑफ वेसल। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट, उसका जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, और इसी वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, तो ये आप ये चार क्वेश्चन मैंने इसके चारों के लिखवा दिए, आप एक बार देख लीजिए और फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज होमोजेनियस और हेटरोजेनियस मिक्सचर। इनमें से हमें बताना है कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर और कौन सा हेटरोजेनियस मिक्सचर है। सबसे पहले आपको दे रखा है सोडा वाटर, ठीक है, और दे रखा है आपको वुड, क्या दे रखा, तीसरा दे रखा है एयर, चौथा दे रखा है सॉइल, अगला दे रखा है विनेगर, अगला दे रखा है फिल्टर टी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो
तो आप खुद ही देखें और बताएं। तो इस क्वेश्चन में हम जैसे कि देख सकते हैं सोडा वाटर, सोडा वाटर जो होता है, क्या आप इसमें कभी सोडा वाटर को देख के बोल सकते हैं कि ये सोडा अलग है वाटर अलग है? वाटर के अंदर सोडा वाटर पहले होता क्या है? सोडा वाटर में आप क्या करते हैं? वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है एक्चुअल में। तो क्या आप कभी पानी में देख के बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग है या वाटर अलग है? तो नहीं, उसके अंदर वो पूरी तरह से मिक्स होता है। तो ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये होमोजीनियस है। वुड, वुड कैसा होता है भाई? वुड जो होता है एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वुड एक तरह का हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस क्यों होता है? क्योंकि वुड में किसी कोई एक तरह का एलिमेंट कहीं पे ज्यादा होता है और दूसरे तरह का एलिमेंट कहीं पे ज्यादा होता है। तो पूरे पूरे के पूरे वुड में एक जैसा कंपोनेंट, मतलब जो कंपोजिशन नहीं रहता मिक्सचर का, इसलिए वुड एक तरह का हेटेरोजीनियस है। फिर एयर, एयर में भाई आपको पता है सारी गैसें पूरी तरह से मिली होती है। हम कह नहीं सकते कि भाई गैसेस को हम अलग अलग नहीं कह सकते कि ये ऑक्सीजन अलग है ये नाइट्रोजन अलग है, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ये होमोजीनियस है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल कैसा है भाई? सॉइल में भी कहीं, सॉइल के अंदर भी क्या होता है? कहीं पे कोई एक तरह का उसमें कंपोनेंट ज्यादा होता है, कहीं पे दूसरे तरह का कंपोनेंट कम होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस। तो इसको भी मैं ऐसे एरो करके लिख दिया मैंने, ये वुड और सॉइल हेट्रोजीनियस है। फिर विनेगर, विनेगर एक तरह का, एक्चुअल में तो विनेगर एक कंपाउंड है, पर इसमें आप वाटर भी मिला लेते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो आप कितना भी डाइल्यूट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और फिल्टर टी, जब टी को आप फिल्टर कर लेते हैं तो क्या उसमें फिर आप अलग कर सकते हैं कि ये दूध अलग हो गया, पानी अलग हो जाए, चाय पत्ती अलग हो जाए? तो नहीं। तो उसके बाद वो भी क्या बन जाता है? होमोजीनियस। तो फिल्टर टी भी एक तरह का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आप देख लेंगे ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। ठीक है, तो आपको बस इसमें यही बताना है कौन होमोजीनियस है और कौन हेट्रोजीनियस है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपके सामने एक कलरलेस लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके सामने एक ग्लास के अंदर एक कलरलेस लिक्विड पड़ा हुआ है। मैं आपसे बोलूं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाटर है, पानी है? ठीक है, चेक करके बताओ कि ये पानी है या नहीं। आपके सामने कलरलेस लिक्विड पड़ा है, मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसे चेक करोगे कि ये पानी है? कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा बोलेगा कि सर हम पी के देख लेंगे। ठीक है, कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा क्या बोलेगा? हम पी के देख लेंगे पानी है या नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा ये सोच रहा है कि हम पी के देख लेंगे कि वो पानी है या नहीं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी नहीं हुआ, कोई एसिड हुआ, तो क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि एसिड का कलर कैसा होता है, और मैक्सिमम एसिड का कलर जो होता है वो भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जो कलरलेस होते हैं और देखने में बिल्कुल पानी की तरह लगते हैं। और अगर आपने बिना सोचे समझे उस पानी को पी गए या उस एसिड को पी गए, तो भाई अंदर से खाली हो जाओगे, यानी कि अंदर से सब कुछ जल जाएगा। तो हम बिना देखे नहीं कह सकते कि कोई लिक्विड जो है वो पानी है या नहीं। होने को तो बहुत सारी चीजें कलरलेस होती है। एक आपने सुना होगा नाम वोडका, ठीक है, दारू शराब, वोडका, आजकल बहुत फेमस चीजें हैं ये चीज। तो वोडका भी देखोगे ना कलरलेस होता है। अब इससे ये जज मत करने लग जाना कि मैं पीता हूं, नहीं, बस मुझे पता है इस बारे में, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो वो भी एक कलरलेस लिक्विड, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने। ठीक है ना, तो ऐसे और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो कलरलेस होते हैं, देखने में लगेगा पानी है पर वो एक्चुअल में पानी नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि हम कैसे पहचाने कि कलरलेस लिक्विड पानी है। तो हम क्या करेंगे, उसे बॉईल करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे उसको पता लगाएंगे?
बॉईल करके, ठीक है? तो मैं लिखूंगा वी वुड, या अगर तुम अकेले बताए तो लिखो आई वुड कंफर्म अबाउट द कलरलेस लिक्विड बाय बॉइलिंग द लिक्विड, बाय बॉइलिंग द लिक्विड। अरे बॉइल करके कैसे पता चलेगा? बॉइल करके आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप इसको बॉइल करेंगे लिक्विड को, आपको इसमें एक थर्मामीटर रख देना है। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है, इसका मतलब वो प्योर वाटर है। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं हो रहा, बहुत ऊपर में या उसके 100 डिग्री से ऊपर बॉइल हो रहा है या 100 डिग्री से नीचे बॉइल हो रहा है, तो यानी कि वो प्योर वाटर नहीं है। या तो उसमें इंप्योरिटी ऐड है या तो कोई वो दूसरा ही लिक्विड है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई कलरलेस लिक्विड मतलब जो है हमारे पास वाटर ही है, हम उसे बॉइल करेंगे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल हो रहा है तो वो वाटर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं हो रहा तो वो वाटर नहीं है, या वाटर है पर प्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी मिली हुई है, ठीक है ना? तो लिखना है इफ इफ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट इज वाटर, ठीक है? और हिंदी में लिखना कि इस बात का पता हम उस द्रव को उबाल कर लगाएंगे, यदि वह द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो वह जल है, ठीक है? वरना वह जल नहीं है, कुछ और है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन एक और है, वो भी मैं यहीं पे करा देता हूं, जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म ही होने वाला है हमारा ये। 7th क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो बताना है इनमें से कौन सी चीज प्योर सब्सटेंस है, कौन सी चीज प्योर सब्सटेंस नहीं है। आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर, ठीक है? तो हमें इन सब चीजों में बताना है इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है और कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन होंगे? अरे प्योर सब्सटेंस वो होते हैं, मैंने बताया था ना आप लोगों को, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है? जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो यानी और इसमें कौन कौन सी दो चीजें आती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो जो एलिमेंट है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, और जो कंपाउंड है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, और जो दोनों में से कुछ नहीं है वो क्या है, मिक्सचर, ठीक है? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा इनमें से प्योर सब्सटेंस है, इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है। मैं टिक लगाऊंगा, आपको बस लिख लेना है, ठीक है? तो आइस, अरे आइस किसका बना है, आइस किसका बनता है, आइस जो बनता है वो वाटर का बनता है, और वाटर एक तरह का कंपाउंड होता है, वाटर एक तरह का कंपाउंड होता है, तो इस वजह से आइस भी एक तरह का कंपाउंड हुआ, क्योंकि वो वाटर एक तरह से क्या है, सॉरी आइस एक तरह से क्या है, वाटर ही है। उसके अंदर हमने कुछ मिक्स तो नहीं करना होता ना, नमक चीनी कुछ भी, बस सिर्फ वाटर चाहिए, उसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पे वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो क्योंकि वाटर एक तरह का प्योर सब्सटेंस है, इसलिए आइस भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है? ये एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। अगला है मिल्क, मिल्क क्या प्योर सब्सटेंस होता है? तो ये इस बारे में तो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस मिल्क हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे तरह के कैल्शियम, मतलब बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, और वो भी फिक्स रेशियो में नहीं होते, कभी कोई एलिमेंट ज्यादा होता है कभी कोई, ठीक है? या कभी कोई कंपाउंड ज्यादा होता है कभी दूसरा, जिस वजह से ये एक तरह का प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है? फिर आयरन, आयरन एक एलिमेंट होता है और इसके अंदर सारे पार्टिकल आयरन के ही होते हैं, इसलिए एक प्योर सब्सटेंस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है, और ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में जुड़ने के बाद ही बनेंगे। तो ये एक तरह का कंपाउंड होता है, और कंपाउंड एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सिंबल है, ये मैंने सिंबल फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है, केमिकल सिंबल फॉर्म में लिख दिए हैं, जो कि आप सेकेंड टर्म में इसके बारे में पढ़ोगे अच्छे से। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी एक तरह का कंपाउंड है, तो ये भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है। मरकरी, मरकरी का सिंबल आप याद कर लेंगे HG, ठीक है, इसको HG से लिखते हैं। अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो मरकरी को HG से लिखा जाता है, और मरकरी एक तरह का एलिमेंट है, इसलिए ये भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, ब्रिक मतलब ईट, ईट के अंदर कोई भी चीज फिक्स रेशियो में तो जुड़े होगी नहीं, कभी कोई एक चीज ज्यादा हो जाएगी, दूसरी कभी दूसरी चीज कम हो जाएगी, तो इसमें फिक्स रेशियो में जुड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस नहीं है। वुड, अभी हमने पीछे किया था कि एक तरह का हेटरोजीनियस मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो एक प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर एयर, एयर एक तरह का होमोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर, इसके अंदर कभी कोई गैस ज्यादा हो जाती है, कभी दूसरी गैस ज्यादा हो जाती है, फिक्स रेशो में कभी कुछ भी नहीं होता, तो अभी ये भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो इसके अंदर हमें प्योर सब्सटेंस बताना था, कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है। आपको क्या करना है, एक प्योर लिख देना ऊपर प्योर सब्सटेंस, और उसके नीचे जो जो प्योर सब्सटेंस है उनके नाम लिख देना इन सबके, ठीक है, बस। तो ये करना था, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो चुका है, जल्दी से आप नोट करिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो भी कुछ इसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर है, इनमें से कौन सा, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, सॉरी, इन इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, मिक्सचर तो सारे हैं, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, किस किस में से बताना है, सॉइल, सॉइल, अगला है सी वाटर, अगला है एयर, अगला है कोल, और अगला है सोडा वाटर। हाँ भाई, इसमें से हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर, इसके अंदर हमें क्या बताना है, होमोजीनियस मिक्सचर जो पूरी तरह से घुले होते हैं, तो कौन सा इनमें से सॉल्यूशन है, कौन सा इनमें से सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था सॉइल के अंदर कभी कोई चीज ज्यादा हो जाती है, कभी दूसरी, ठीक है ना, तो ये इसमें है, मतलब पर मतलब अच्छा, तो पर इसमें सॉइल जो होता है वो एक तरह का होमोजीनियस ही मिक्सचर है, क्योंकि इसमें आप देख नहीं सकते कि इसमें कौन सा एलिमेंट कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, वो सब मिक्स हो जाता है, तो एक जैसा हो जाता है, तो ये एक तरह का आप सॉल्यूशन बोल सकते हो कि सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन है, इसको आप सॉल्यूशन बोल सकते हो। सी वाटर, सी वाटर में भी देखो बहुत सारे पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं, और वो कितने कहाँ पे कौन सा सॉल्ट मिक्स हो रहा है आप इसको पता नहीं लगा सकते, यानी कि ये पूरी तरह से जो उसका सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, इसलिए ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। एयर, एयर में आपको पता है सारे गैसेस अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं और पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए एयर भी एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। कोल, कोल एक तरह का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर में भी सोडा जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है उसमें, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन शो करेगा। पहला है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा दे रखा है मिल्क, तीसरा दे रखा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगला दे रखा है स्टार्च सॉल्यूशन। हाँ भाई, तो इनमें से कौन सा, इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट को शो सिर्फ कोलोइड और सस्पेंशन करता है, ठीक है ना। तो कोलोइड और सस्पेंशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, और कोई नहीं करता, तो इनमें से जो कोलोइड और सस्पेंशन है वही टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन है तो ये टिंडल
टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। मिल्क के बारे में मैंने बताया था एक तरह का कोलॉइड होता है, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन होता है, तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है। और स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो एक तरह का कोलॉइड होता है, ये कभी इसमें घुलता नहीं है, बस फैल जाता है। स्टार्च का याद रखना कि स्टार्च जो भले इसके आगे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पर ये एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं होता है, ये होता क्या है आपका, ये एक तरह का कोलॉइड होता है, ठीक है। और ये कोलॉइड है इसलिए टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से देख लो। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसमें हमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर बताना है, तो आप बताएंगे सोडियम, आपका लिखा हुआ है सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, अगला लिखा है सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अगला है टिन और नेक्स्ट है सिलिकन। तो इनमें से हमें बताना है कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर है। तो जैसा कि आपको पता है कि सोडियम एक तरह का एलिमेंट होता है, सोडियम एक क्या होता है, एलिमेंट। सॉइल क्या है, मिक्सचर, बहुत सारी चीजें मिली होती है ना। शुगर सॉल्यूशन, नाम ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर होता है। सिल्वर एक क्या है, एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट दो एलिमेंट से मिलके बना है, फिक्स रेशियो में मिलके बना है, तो ये है कंपाउंड, ठीक है। टिन, टिन भी एक तरह का एलिमेंट होता है, और सिलिकन भी एक तरह का एलिमेंट होता है, तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो आपको इसमें बताना था कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है साइंस का पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो चुका है। मैं जो अब जो इसमें रहता क्या है हमारा, ये इस चैप्टर में भी और फर्स्ट चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी और फर्स्ट चैप्टर में भी हमारे रहता क्या है, हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जो हमारे एग्जाम में अब 20 नंबर का पार्ट आता है एमसीक्यू का क्वेश्चन, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है मैं उनके ना एक अलग से ही क्लास लगाऊंगा उसकी, ठीक है। एक अलग क्लास दूंगा आप लोगों को जिसमें मैं सारे चैप्टर कवर करूंगा, सारे चैप्टरों के एमसीक्यू कवर करूंगा, ठीक है ना। ये मत भूल जाना कि मैं एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये मत सोचना आप लोग। मैं एमसीक्यू कराऊंगा पर सारे चैप्टर के एमसीक्यू हम करेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम चैप्टर की सबके थ्योरीज कवर कर लेते हैं, एक एक करके सारे चैप्टर कवर कर लेते हैं, लास्ट में हम चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल हमारा चैप्टर सेकंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। आप इन चैप्टर को रिवाइज करेंगे और नोट्स तो आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, ठीक है। तो उसमें से भी आपको क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं और इनको अच्छे से समझ लेना है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम साइंस का 5th चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। या तो 5th करेंगे या तो 8th करेंगे, वो देख लेंगे उस दिन, ठीक है। या तो फिजिक्स का 8th चैप्टर, मतलब फिजिक्स का चैप्टर, और 5th चैप्टर मतलब जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है सेल वाला, ठीक है। या 8th से जो चैप्टर है मोशन वाला, उन दोनों में से कोई सभी चैप्टर हम चालू करेंगे, शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।